टोक्यो ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को लखनऊ में यूपी सरकार ने सम्मानित किया। इकाना स्टेडियम में हुए इस सम्मान समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, जिन्होंने पदक वीरों और महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सामने आई तस्वीरों में खचाखच भरे स्टेडियम में हर तरफ तिरंगा लहराते लोग इन खिलाड़ियों का स्वागत करते दिखे। तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद खिलाड़ियों को सम्मानित करने का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया। इसके बाद रवि दहिया को 1.5 करोड़, पीवी सिंधु, लवलीना और बजरंग पुनिया को 1-1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। हमारे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि भारत ने इस अवसर पर हमारी टीम ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस समारोह में पुरुष हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ और महिला हॉकी टीम की सभी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए के इनाम से भी नवाजा गया। सौभाग्य की बात यह कि ओलंपिक्स में मेडल जीतने और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ ही यूपी सरकार ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की पहल भी की, जिसके तहत यूपी के हर जिले से 75 होनहार खिलाड़ियों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया था, जहां ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले यूपी के सभी खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया। क्योंकि ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेना भी कम बड़ी बात नहीं होती।